बीवियां थी, वो हमेशा घूंघट यहां तक रखती थी। महाराज पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं? पहला ये कि माथे का सिंदूर पराया पुरुष कभी ना देखे, देवियों का माथे का सिंदूर। दूसरा सुनो, पराए पुरुष से कभी नजर से नजर मिला के बात ना करें। अब आप लोग कहोगे कि नजर से होता ही क्या है, आंखों से होता ही। आधार कार्ड बनवाए, सब समझदार लोग हैं, आधार कार्ड। कहते हैं माताओं, पहले की देवियां इतना घूंघट लगती थी, ना माथे का सिंदूर दिखाई देता था, ना नजर से नजर मिला के किसी से बात हो पाती थी। पता है ना, अब तो ऐसी ऐसी साड़ियां चली हैं कि पूरा फेस ही दिखाई देता है, यहाँ तक नको या फिर यहाँ तक कोई फर्क ही नहीं, पूरा फेस दिखाई देता। पहले तो ये पता है ना, अभी भी देवियां होंगी, अभी भी देवियां इतना घूंघट करती है पहले की। अब पता है आजकल की देवियां कहती है, अरे इतना घूंघट, अरे मुझे घुटन हो रही है, सास के यहाँ पे जाएं तो ये बोलेंगी मुझे घुटन होती है। अब सास ससुरहू अच्छे मिलने लगे, बोले लल्ला मत जा, कोई जरूरी ना है, जेंस पेंट पहनो घर में घूमो, क्या जरूरी है साड़ी बांधे हो। सास ससुरहू अच्छे मिलने लगे। वो तो महाराज, अब पता है ना, पहले देवियां काफी देव, अब तो साड़ी पहनती हैं, लेकिन देवियां अब जो है ना वो तो जेंस पेंट पहनती हैं। पहले की देवियां दादा कहते ना, बच्चा छोटा है तो माँ के पल्लू से जैसे पसीना आ जाए फेस पे तो पहुंच लेता था। अब मैया पहने फिर रही थी सेंट और पेंट, लल्ला बताओ पसीना कहाँ तक पहुंचे। पहले बालक कितना ही बड़ा हो जाए, जब आता था तो माँ के पल्लू से मुंह पहुंचता था, अब पल्लू ही नहीं। अब तो पहनावा भी चेंज हो गया। बोले गोविंद भगवान की। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित और बता दू दादा, ये जमाना बड़ा विचित्र है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, और हमारे हिसाब से जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता है ना, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसे ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग। पता है एक पिता ने, ये सच्ची घटना है, एक पिता ने अपनी बेटी पढ़ने के लिए परदेश में भेजी, पढ़ने के लिए। अब बेटी सुशील रहे, चरित्र की अच्छी रहे, पढ़ने के लिए गई। आज कल दोस्त भी अगर बनाओ तो बड़े सोच समझ के दोस्त बनाना चाहिए, बेटी हो या बेटा, कोई भी दोस्त बनाए तो बहुत सोच समझ के। एक पिता ने बेटी भेजी पढ़ने के लिए, तो बाप उस बेटी ने, उस बेटी की दोस्ती हो गई दादा। तो महाराज एक लड़का बेटी का अच्छा दोस्त बन गया, अच्छा बड़ी हेल्प कर रहा उसकी, वाला बड़ा दादा ख्याल रखता, बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती बन गई। जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हुई ना तो दोनों को जॉब मिल गई, लड़का भी इंजीनियर हो गया और लड़की को भी जॉब मिल गई। अब पता है ना, जो लड़की थी ना वो गलत मकसद से अपनी दोस्ती नहीं करती थी, वो हमेशा सिर्फ दोस्त बना के रखती थी। तो दादा काफी दिन हुए, उस लड़का ने लड़की से कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ,
आप मेरे साथ में शादी कर लो। लड़की ने कहा नहीं, आप एक अच्छे दोस्त हो, क्योंकि लड़की संस्कार घर से थी, अच्छे घर से थी। उसने कहा नहीं नहीं भैया, आप मेरे दोस्त हो, आपने मेरी हेल्प करी और मैं दोस्ती निभाने के लिए पूरा जीवन बिता दूंगी, लेकिन आप कहो कि मेरे साथ में शादी कर लो, मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जब दोस्ती की है तो मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने गलत नहीं सोचा आपके साथ कि मैं आपके साथ शादी करूंगी, मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया। तो कहा भैया आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं शादी नहीं कर सकती। उस लड़का ने कहा कि आप शादी करोगी, आप मेरे से शादी करोगी। उसने कहा शादी नहीं करूंगी, दोस्ती निभा सकती दादा। लड़की ने मना कर दिया। पता है ना आजकल दादा, देखो लड़की हो स्त्री किसी के भी बहकावे में आ सकती है, किसी के में भी। ये चारणक की भी नीति है, किसकी, किसी के भी बहकावे में आ सकती है महाराज। तो कहते हैं आसानी से, तो उस लड़की ने मना कर दिया। लड़का ने कहा ठीक है, आप मुझसे एक बार मिलिए, सामने बैठ के बात करूंगा। तो लड़की गई, लड़का ने कहा कि आप मेरे साथ शादी करोगी। बोले नहीं कर सकती। लड़का ने लास्ट में गुस्से में कहा करोगी या नहीं, लड़की ने बोल दिया नहीं। तो लड़के के पास था तेजाब, तेजाब लेकर के गया और लड़की के चेहरे पे डाल दिया। लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, बताइए, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पुलिस आई, पुलिस ने लड़के को पकड़ा, तो सजा कितने साल की हुई, 4-5 साल की। लेकिन अगर सच्ची सजा मिली है तो उस लड़की को पूरी जिंदगी की सजा मिल गई। इसलिए कहते हैं दादा, लड़का हो या लड़की, दोस्ती हमेशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कभी भी भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। ये खबर सोशल मीडिया बहुत जोर की वायरल थी, आपने सुना हो। कभी भी दोस्ती करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें दादा हमारी तुम्हारी जिंदगी बदल देती है भैया, हमेशा सोच समझ के। और आपको बता दूं दोस्ती कैसी होना चाहिए। दो लड़के थे दोस्त से, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बाइक से जा रहे थे। पता है नए नए भैया को बाइक मिल जाए ना तो गम कहाँ खाए वाले महाराज, तो बड़ी तेजी से बाइक चलाए रहे थे। अब एक रेस्टोरेंट हम पहुंचे है ना, तो वहां पर दोनों दोस्त ने चाय पी। अब एक दोस्त था उसके पैंट पे चाय फैल गई। उसने कहा तुझे पता है ना मैं सफेद पैंट पहन के आया था और तूने मेरे पैंट को खराब कर दिया, चाय फैला दी। उसने गुस्से में आकर के तमाचा मार दिया। बताइए हंसी में जा रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी, बड़ी दोस्ती थी बचपन की, और एक मिनट में तमाचा मार दिया। जब तमाचा मारा है ना, तो उसने कहा पानी से लिखा, बोले तमाचा मैंने मार दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। दोस्त ने माफ कर दिया। अब दोनों दादा बाइक से वहां से निकले, दोनों निकले ही, तेज बाइक चला रहे हैं, सामने से एक ट्रक आया, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों घायल हो गए, दोनों दोस्त हॉस्पिटल में पहुंचे। अब पता है ना एक दोस्त था उसका, उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसका चित्त ही चला गया, और एक दोस्त सलामत था। अब उसने जो सलामत था उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरा दोस्त ठीक तो है, बोले नहीं आपका दोस्त कभी जीवन में देख नहीं सकता। एक घंटा इसके पास है, अगर किसी की आंख इसे मिल गई ना तो ये संसार को देख सकता, वैसे ये नहीं देख सकता। तो उसने कहा कि अगर किसी की आंख हो तो लगवा दो, आप पैसे की टेंशन मत करना, मैं जितना पैसा खर्च होगा उतना पैसा दे दूंगा। दोस्ती देखिए दादा सिर्फ, बोले किसी की आंख नहीं है, तो उस दोस्त ने अपनी आंख निकलवा करके अपने दोस्त को आंख का दान कर दिया।
अगर दोस्ती हो तो ऐसे होना चाहिए महाराज। 10-15 दिन के बाद जब छुट्टी हुई है तो दोनों मित्र के आंखों पे पट्टी बंधी है। जिसका चित्त बिल्कुल जा चुका था, सबसे पहले उसकी पट्टी खुली तो उसकी नजर दोस्त पे पड़ी। उसने जवाब दिया, डॉक्टर ये मेरा दोस्त पड़ा है और मुझे एक आंख से दिखाई क्यों नहीं देता। डॉक्टर ने कहा कि आपका चित्त तो जा चुका था, आपके मित्र ने आपको एक आंख दी है। महाराज वो पैरों से गिर पड़ा। तो दोस्ती भी ऐसी होना चाहिए। उस मित्र ने कहा, पता है ना, एक आंख से पूरी दुनिया आप भी देख सकते हो और एक आंख से मैं भी पूरी दुनिया देख सकता हूँ। दादा दोस्ती अगर हो तो दर्पण की तरह होना चाहिए। दर्पण शीशा, आप रो रहे हो तो दर्पण भी रो रहा, आप हंस रहे हो तो दर्पण भी हंस रहा। दोस्ती एक दर्पण की तरह होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और पता है ना, इस संसार में बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। और ये सुनील कुमार ततारपुर से, और ये 1000 रुपए भगवान की कथा में दान किए हैं। 10-10 रुपए समस्त स्टाफ को और कलश वाली कन्या और संतों को भी सम्मान किया है। मुझे माला डाल के सम्मान किया। भगवान से कहना, कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहें, घर में कभी भी किसी बात की कमी ना पड़े, भगवान से यही कामना करती हूँ। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए सही ताली बजाते भगवान।